Hey guys, this is Dumpster और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 लो एंड गेम्स और पीसी के लिए एंड ये वीडियो लो स्पेक गेम्स की 13th वीडियो है। तो अगर आपको और गेम्स चाहिए जो कि आपके लो एंड पीसी में चल जाए तो यू कैन प्रेस दिस आई बटन जिससे आप मेरी लो स्पेक गेम्स वाली प्लेलिस्ट में चले जाओगे एंड देन वहाँ से आप मेरी बाकी वीडियोज़ देख लेना। और इस वीडियो में जितनी भी गेम्स है वो मेरे हिसाब से 10 साल पुराने पीसी में भी आराम से चल जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई गेम बाय करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टीम या फिर एपिक गेम स्टोर जैसे ट्रस्टेड सोर्स से ही बाय करना, बिकॉज इट इज़ रिस्क टू बाय अ गेम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। एंड इसी के साथ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विद द शॉर्ट इंट्रो। नंबर 10, डेडपुल। वेल, ये एक एक्शन एंड एडवेंचर गेम है जो कि डेडपुल पे ही बेस्ड है और ये गेम थर्ड पर्सन शूटर गेम है एंड इस गेम में आप सारे कॉम्बोस एंड न्यू अटैक्स को यूज़ कर सकते हो। और अब मैं सीधा इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को बताता हूँ। तो इस गेम को खेलने के लिए आपके पास इंटेल कोर टू डुओ E2800 का प्रोसेसर होना चाहिए, 2GB की रैम और 7GB का फ्री हार्ड स्पेस होना चाहिए। नंबर 9, स्नाइपर गोस्ट वॉरियर 1। वेल, ये गेम एक स्टेल्थ स्नाइपर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि इसला ट्रोएनो नाम के आइसलैंड पे सेट है, जहाँ पे एक क्रूएल और रूथलेस मिलिट्री लीडर जनरल वास्कोस का राज चल रहा है और उसने वहाँ से गवर्नमेंट रूल्स को भी हटा डाला है। और हम इस गेम में एक CIA एजेंट है जो कि उसके पूरे बेस को इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उसका राज वहाँ से हटा के गवर्नमेंट के रूल को फिर से इस्टेब्लिश करेंगे। और अब मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल पेंटियम 4 का प्रोसेसर होना चाहिए, 2GB की रैम और 6.5GB का फ्री हार्ड स्पेस होना चाहिए। नंबर 8, प्रोजेक्ट IGI 2। वेल, इस गेम में हमारा प्राइमरी एंटेगनिस्ट वूजिंग नाम का एक बंदा है जो कि अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपनरी की तलाश में है, मतलब EMP वेपन की तलाश में है एंड अपने जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे रोकना है, मींस उसे वूशिंग नाम के उस बंदे को रोकना है जो कि विलन लगा लो है इस गेम का। और अब मैं सीधा इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे आता हूँ। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल पेंटियम 3 का प्रोसेसर होना चाहिए जो कि बहुत पुराना प्रोसेसर है, 128MB की रैम जो कि हद से ज़्यादा कम है एंड 1.5GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। नंबर 7, बॉर्डरलैंड्स। वेल, ये 2009 की ओपन वर्ल्ड एक्शन रोल प्लेइंग फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है एंड इस गेम में 4 वर्ल्ड हंटर्स होते हैं जो कि पेंडोरा नाम के एक प्लैनेट में एक वर्ल्ड को लेने आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस वर्ल्ड में एक एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी है। एंड द स्टोरी गोज ऑन, उतना मेरे को स्टोरी के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने इस गेम को आज तक कंप्लीट नहीं किया है, मेरे को खुद नहीं पता कि मैंने क्यों नहीं किया। तो मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास कोई सा भी इंटेल का 2.4GHz का प्रोसेसर होना चाहिए, 1GB की रैम होनी चाहिए और 8GB का फ्री हार्ड स्पेस होना चाहिए। नंबर 6, द हल्क। वेल, ये गेम हल्क मूवी के 8 साल बाद सेट की गई है एंड अब ब्रूस बैनर जो है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रखा है होता है और कई सारे मिलिट्री टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड बाकी मिलिट्री वेव से लड़ रहा है एंड लिटरली इस गेम में बहुत डिस्ट्रक्शन एंड कमाल की स्टोरी है। तो जितने भी मार्वल्स फैन हैं मैं कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई दिस गेम। एंड अब मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास 2GHz का डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए इंटेल का एंड 2GB की रैम होनी चाहिए, 2GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस भी होना चाहिए। नंबर 5, रेजिडेंट ईविल 5। वेल, इस गेम में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट क्रिस रेडफील्ड और शेवा एलोमार जो है अफ्रीका के एक फिक्शनल रीजन में इन्वेस्टिगेशन करने गए होते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म करके टेररिस्ट थ्रेट दिया है एंड यहाँ पे ये फाइट बायोवेपन से होगी जो कि एक वायरस है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन पे ये पूरी गेम बेस्ड है एंड ऑफकोर्स वायरस है, जोम्बीज हैं, तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होने वाला है। तो मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल कोर 2 डुओ का प्रोसेसर होना चाहिए एंड 4GB की रैम और 15GB का फ्री हार्ड स्पेस होना चाहिए। नंबर 4, पोर्टल 1। वेल, ये गेम टाइम पास के लिए काफ़ी अच्छी गेम है एंड आपके प्रोटैगनिस्ट का नाम शेल है एंड ये गेम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है एंड इस गेम में हमें एक पोर्टल गन का यूज़ करना होता है एंड बहुत सारी जगह ऐसे घूमते फिरते रहना होता है। बेसिकली आपको थोड़ी बहुत क्लस्टर ट्रक टाइप की फीलिंग आ सकती है।
तो मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल पेंटियम 4 का प्रोसेसर होना चाहिए, 512 MB की रैम और 3 GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। नंबर 3, नीड फॉर स्पीड द रन। वेल, ये गेम रेसिंग जॉनरा के सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी से बिलोंग करती है और इस गेम में हम एक स्ट्रीट रेसर का रोल प्ले करते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क तक के सारे पॉपुलर रेसर्स से रेस करता है। एंड अब मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल कोर 2 डुओ का प्रोसेसर होना चाहिए, 3 GB की रैम और 18 GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। नंबर 2, असासिन क्रीड 3। वेल, ये असासिन क्रीड गेम जो है 18th सेंचुरी के असासिन पे बेस्ड है, जहाँ पे अभी अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा है एंड ये गेम अभी असासिन क्रीड रेवोल्यूशन के ही इवेंट को फॉलो कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस गेम में पार्कोर तो हो गई, तो यू कैन एंजॉय इट्स पार्कोर एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस गेम है, लेकिन मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला बिकॉज वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल कोर 2 डुओ E2800 का प्रोसेसर होना चाहिए, 2 GB की रैम और 17 GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। नंबर 1, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3। वेल, ये गेम जो है मॉडर्न वॉरफेयर 2 का सीक्वल है और ओरिजिनल मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज का लास्ट पार्ट है। वेल, इस गेम में हम लास्ट में मैकरोव को तो मार ही देते हैं बट अपने कुछ और टीममेट्स को भी खो देते हैं। एंड वेल, दिस गेम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गेम विद बोथ बेस्ट स्टोरी एंड ग्राफिक्स। ऑल्दो इस गेम को 2021 में 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये गेम खेलने लायक है। और मैं सीधा आता हूँ इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे। तो इस गेम को रन करने के लिए आपके पास इंटेल कोर 2 डुओ E6600 का प्रोसेसर होना चाहिए, जो कि बहुत पुराना प्रोसेसर है, 2 GB की रैम और 16 GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। तो गाइस, दिस इज ओनली फॉर दिस वीडियो एंड मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं आपको हद से ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स वाली गेम बता सकूं जो कि लो एंड PC में भी चल जाए। तो प्लीज़ लीव अ लाइक टू अप्रिशिएट माय वर्क एंड इफ यू लाइक गेमिंग कंटेंट एंड आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो यू कैन प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू वॉन्ट मोर गेमिंग कंटेंट देन यू कैन चेक आउट माई चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इसी के साथ मैं डमस्टर मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कीप गेमिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू। We'll be right back.